नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी लोगों का स्वागत है जुपिटर चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूं, ठीक है। और इसमें आप जो पढ़ोगे वो है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। क्लास टेंथ की मैथ है और आज के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप त्रिभुज यानी ट्रिगर ये जो ज्योमेट्री होती है बहुत ही टफ होती है, ठीक है, बहुत ही इजी लगने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक समझाने वाला हूँ, कोई थ्योरम नहीं, कुछ नहीं, बस आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब बेसिक मतलब ये नहीं सिक्स सेवन्थ का या टेंथ का बेसिक बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे छात्रों के पास इतना टाइम नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए हैं और बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं और आपको, ठीक है, एंट्री देनी है उसको। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, तो इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है कि हमें कुछ शब्द होते हैं जो समझ नहीं आते हैं, इसकी वजह से प्रश्न समझ नहीं आता है। तो उन प्रश्नों को समझने के लिए पहले शब्दों को समझना होगा, ठीक है, और जो प्रमेय होती है उसको समझना होगा, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए, आप वहाँ पर जाके एनसीईआरटी के पीडीएफ नोट्स, सैम्पल पेपर, उनके सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे गिवन है और जो मैं सॉल्व करता हूँ ये भी मैं डाल देता हूँ, कभी थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ भी आप जाके विजिट करके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यही जो मैं सॉल्व कर। तो अब यहाँ पर त्रिभुज कक्षा 10 यानी कि मैथ्स में जो हमें सबसे पहले एक शब्द आता है और उसका नाम है समरूप। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊँगा तो बिल्कुल आराम से पढ़िए। समरूप यानी सिमिलर, ओके, समरूपता कहिए इसको, समरूपता, सिमिलैरिटी, क्या कहते हैं इसे, सिमिलैरिटी, ओके। अब सिमिलैरिटी होती क्या है यानी समरूपता क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों समरूपता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक जो है वृत्त ले लिया, ठीक है, और इसी की शकल का एक और वृत्त बना दिया मैंने छोटा सा, देखिए तो ये दोनों वृत्त हैं तो दोनों एक जैसे भी हैं भाई, सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है, गोल है ना, तो इसीलिए ये दोनों समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियाँ। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो समरूप आकृतियाँ हैं यानी कि सिमिलर हैं, ओके। कैसी आकृतियाँ हैं? सिमिलर आकृतियाँ हैं, सिमिलर, सिमिलर फिगर्स हैं, ओके। अब ठीक ऐसे ही मान लीजिए हमें दो ट्रायंगल दिए हुए, देखिए जैसे मुझे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 90 डिग्री है और एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ देखिए, अब आप देखिए इसमें 90 डिग्री कहीं नहीं है, तो क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसीलिए ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है। ये जो आकृति है ये समरूप नहीं है क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है, ओके। और अगर मैं बात करूँ इसी प्रकार की कुछ और आकृतियों की, जिसको देखिए अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमें ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ओके। देखिए जैसे एक ट्रायंगल है, ओके, अब एक और ट्रायंगल हम लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यही तो आपको समझना है, एक ट्रायंगल और है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखने में एक जैसे हैं लेकिन ये ऊंचा है और ये थोड़ा नीचा है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको पलट कर इधर और ऐसे घुमा दो, चाहे इसको लिटा दो, तो इसकी तरह हो जाएगा, यानी इसको अगर मैं लिटा देता हूँ तो इसकी तरह दिखेगा, फ़र्क इतना, ये इधर निकला हुआ इधर निकला हुआ है, तो इसको उठा के उल्टा कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों आकृतियाँ भी, ठीक है, समरूप है, क्या है, समरूप, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं एक शब्द, आप सिमिलर है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ और उसका क्या समझाना है वो बताता हूँ मैं आपको। हमें एक शब्द दिया होता है जिसको हम बोलते हैं संगत, कॉरस्पॉन्डिंग, एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग। ये शब्द बच्चों को पढ़ने में तो बहुत बार दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आता कि कॉरस्पॉन्डिंग है क्या, यानी कि संगत शब्द है क्या। तो संगत शब्द जो है उसका मतलब समझाता हूँ। अब देखिए इसकी लंबी वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, और इसमें कौन सी है, ये वाली है, तो ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही लोगे, जैसे ये फिगर है ऐसे ये फिगर है, तो ये साइड इसकी इक्वल ले लोगे तो ये गलत माना जाएगा, ये वाली साइड इसकी इक्वल ले लोगे गलत माना जाएगा, क्यों, इसका आधार यहाँ पर है और इसका आधार ये वाला है, तो ये गलत माना जाएगा। तो संगत का मतलब होता है कि हमें ढूंढ कर, ठीक है, उसी के बराबर उसी वाली भुजा को दूसरे त्रिभुज में निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूँ संगत भुजा के तौर पे, तो ये जो है एंगल के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो यहाँ पर भी क्या है, कर्ण है, ठीक है। आई बस समझे, यानी कि हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो ऐसे ही यानी कर्ण, तो ऐसे ही जो है कि यहाँ भी ऐसा ही है ना, कर्ण ये वाला, तो ये जो है कहलाएगी संगत भुजाएं, क्या कहलाएंगे, संगत भुजाएं यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे, ओके।
तो ये तो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, दो शब्दों का, एक समरूप समरूपता का, सिमिलैरिटी का, दूसरा संगत का यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जरा थोड़ी सी और बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, इन्हीं सब चीज़ों की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो संगत होते हैं, एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जो समरूपता होती है, समरूपता ठीक है, और सिमिलैरिटी, समरूपता होगी एक तो, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी और एक और शब्द आता है हमारे पास, थोड़ा वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। तो ये जो दो जो शब्द हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम, तो ये समरूपता और कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट है दोनों, ठीक है, दोनों ही दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जी, पहले बता रहा हूँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी समरूपता और कॉन्ग्रुएंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि जब अंतर हमें पता होगा तभी हम कुछ जो है कि बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे एक ये बनाया, एक मिनट ढंग से बना देता हूँ, ठीक है, और मैंने एक और त्रिभुज बनाया, दो त्रिभुज बनाया, ठीक है। देखिए अब दोनों में, देखने में दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं ना, देखने में दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो इसीलिए ये दोनों आकृतियाँ, ठीक है, समरूप हैं, एक जैसे हैं लेकिन इनकी भुजाएँ बड़ी छोटी हैं, समरूप हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे ही दो आकृतियाँ यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा उसे इग्नोर करिएगा, बस जो मेरा मोटिव है उसे समझिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक जैसी है ना, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये तीसरी वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो ये फिगर्स जिसमें सब कुछ एक दूसरे के बराबर है, यानी इसका सब कुछ इसके बराबर है, ये एंगल 90 तो ये भी 90 है, तो ये कहलाता है सर्वांगसम, ठीक है। समझ में आई बात, यानी ये सर्वांगसम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सर्वांगसम, और ये क्या कहलाएगा, समरूप। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, तो दोनों में देखिए डिफरेंट आप देख सकते हो साफ साफ कि इसमें हर चीज़ बराबर है, दूसरी फिगर के इसमें बराबर नहीं है। अब यही तो समझने की चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं नाम ले लेता हूँ ए बी सी, और यहाँ पर लेता हूँ पी क्यू आर, तो इस वाली कंडीशन में हम ऐसे दिखाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है, ऐसे ये होता है समरूप का निशान, ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है, आए बस समझ में। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो कंडीशन है वो सिमिलर की है, और ये जो कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट की है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, जब कॉन्ग्रुएंट होगी कोई चीज़, कोई फिगर, तो अब देखिए उसको हम कैसे दर्शाते हैं, उसको हम ऐसे ऐसे शो करेंगे, ए बी सी पहले इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है कि निशान होगा, ठीक है, आए बस समझ में। तो इसको हम बोलते हैं ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि क्या है, समरूप है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में भाई हमने लिख दिया, तो लिखने से क्या होता है, कुछ तो होगा, तो अब वो कुछ क्या है, मतलब क्या है कि हम समरूप लेंगे तो क्या होगा भाई, और अगर कॉन्ग्रुएंट लेंगे, सर्वांगसम लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सिमिलर होगा तो क्या होगा, सिमिलर होगा तो भुजाएँ समानुपातिक होती हैं, ये आपको गांठ बांध लेनी है बात, भुजाएँ समानुपातिक क्या होंगी, समानुपातिक का मतलब होता है यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शनेट, साइड्स जो है प्रोपोर्शनेट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखूँगा कि ए बी, अभी कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं, कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा, तो ए बी इसकी वाली भुजा, इसकी इस वाली भुजा के, यानी पी क्यू, इसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बी सी इसका आधार बटे में इसका आधार क्यू आर इसके बराबर होगा, बटे में इसका कर्ण ए सी और बटे में इसका कर्ण पी आर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आई बात समझ में, मतलब ये चीज़ होती है ऐसे। और एक चीज़ और कि एंगल भी बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल, अरे सॉरी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ओके, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये चीज़ें, ये सेकंड कंडीशन है। तो अब आपको याद रखना है कि जब कभी भी समरूप हो, सिमिलर हो ट्रायंगल्स, तो ये दो कंडीशन आती है हमेशा, ठीक है।
ठीक है, इसे याद रखना, गांठ बांध दीजिए, ये पेपर है बहुत यूजफुल है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जब कभी भी सर्वांगसम होते हैं दो ट्रायंगल तो अब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी और इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर, तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये कि जो ए बी है इसकी एक भुजा वो बराबर होगी पी क्यू के, ध्यान दीजिएगा यहाँ बटे में यहाँ बराबर, ठीक है। उसके साथ जो है यहाँ की बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के, और उसी के साथ जो है जो ए सी है वो इक्वल किसके, पी आर के, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, और ये तो एक पहली कंडीशन होगी, ठीक है ना, ये हो गई पहली कंडीशन कि भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के बराबर, अरे सॉरी बी कह रहा हूँ, ये कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के और कोण सी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एंगल एंगल नहीं लगती यहाँ पे प्रॉपर्टी, जब कॉन्ग्रेंट है तो इक्वल होंगे, वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ कि इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल सी के। तो इसको याद रखना है कि ये क्राइटेरिया इसमें हो जाता है, लेकिन आप इसको ना वो नहीं मानोगे, इसकी तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं मानना है, ये इसमें होगा लेकिन इसमें भाई कॉन्ग्रेंट है तो बराबर है सारे एंगल, लेकिन हम क्राइटेरिया नहीं ले सकते, यानी नियम नहीं ले सकते कि अगर बराबर है तो ये वो होंगे कॉन्ग्रेंट, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, कम से कम एक साइड होनी चाहिए, इसमें थोड़ा अलग है, हो सकता है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ है, ठीक है, वो कंडीशन बताऊंगा बाद में। तो अब मुझे लगता है कि आपको सर्वांगसमता में और समरूपता में अंतर समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब जो है हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं थ्योरम, और जो वीडियो आती जाएगी सब में बारी बारी सब कुछ आपको बताया जाएगा। और आपसे गुजारिश करता हूँ यार, व्यूज़ बहुत आते हैं, लाइक्स नहीं आते, प्लीज़ आप लाइक किया करो, ठीक है, जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं उसको लाइक करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।